सारे हमारे कैडेट्स हमारे बच्चे जिस समय हमारे सामने परफॉर्म कर रहे थे तो लगातार हमारे मन में ये आ रहा था ये कैडेट्स है ये बच्चे है ये विद्यार्थी है या ये सचमुच सैनिक है जिन्होंने ट्रेनिंग ली है इतने सफाई के साथ इतने अच्छे तरीके से सारी की सारी ड्रिल्स हमारे सामने जो यहाँ पर की गई वो इतनी सुंदर थी और उसमें इतनी सफाई थी कि मैं सचमुच जो सारे ट्रेनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और भारत का भविष्य मैं ऐसा मानता हूँ बहुत ही उज्ज्वल है। अभी आने वाले समय में जैसा शैलेश जी ने बताया हमारी सरकार ने 54 एकड़ जगह घोसला मिलिट्री स्कूल को दी है और निश्चित रूप से आज हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ आए हैं तो शिक्षा मंत्री जी शैलेश जी जो आपने सपना यहाँ पर संजोया है कि एक हमारी लड़कियों की डेडिकेटेड मिलिट्री स्कूल तैयार हो तो निश्चित हमारे शिक्षा मंत्री उस पर तवज्जो देंगे और आपको उसकी भी मान्यता वो देंगे ऐसा मुझे विश्वास है और मैं भी आपकी ओर से उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर इसके ओर तवज्जो दे और साथ साथ इस जगह पर एक सिविल सर्विसेज एकेडमी भी घोसला मिलिट्री स्कूल शुरू करना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल होगी क्योंकि हमारे देश में जो हमारी सिविल सर्विसेज है उसमें भी बहुत अच्छे ट्रेंड इस प्रकार के हमारे बच्चे जाए और विशेष रूप से हमारे जो विदर्भ के बच्चे हैं उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिले उनको इन एग्जाम्स को फेस करने का एक प्रकार से उनको ट्रेनिंग मिले इस प्रकार की व्यवस्था इस एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर तैयार हो रही है तो मेरा विश्वास है कि जल्दी ही आप उसको भी तैयार करेंगे। मैं फिर एक बार हमारे सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा और मेरा विश्वास है कि लगातार जिस प्रकार से ये प्रगति हो रही है देश की प्रगति में आने वाले समय में आप सभी भागीदार होंगे। आपके भरोसे कल के भारत का सपना हमने देखा है और मुझे विश्वास है जब ऐसे बच्चे सामने बैठे हो तो निश्चित रूप से कल के भारत का जो सपना हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं हमारा भारत देखता है वो सपना निश्चित रूप से पूरा होगा और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।